हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर टू लाइफ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार सुगम स्मार्ट मीटर ऐप का ओवरव्यू देखेंगे। जैसा कि इस ऐप के नाम से ही पता चलता है कि यह ऐप बिहार राज्य में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए है। यह ऐप सिक्योर कंपनी द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के लिए एप्लीकेबल होता है, बाकी कंपनियों के लिए अलग ऐप आता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐप में लॉगिन करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस दिखते हैं। लॉगिन से पहले के ऑप्शंस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में ऐप के सभी पॉइंट्स को कवर किया गया है, इसलिए थोड़ा लंबा है। आप इसे बिना स्किप किए देखिए, ताकि आपको पूर्ण और सटीक जानकारी मिल सके। ऐप में लॉगिन करने के लिए ओपन करने के बाद आपको अपना कंज्यूमर आईडी या मीटर नंबर में से एक सेलेक्ट करके नीचे एंटर करना होगा और बिजली बिल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करके लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। नीचे के टिक बॉक्स आई एम ए सेकेंडरी कंज्यूमर को खाली छोड़ देना है। आगे आपको मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी एंट्री करके वेरीफाई क्लिक करना है, जिसके बाद लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको होम पेज शो करेगा। होम पेज पर ऊपर में कंज्यूमर नंबर दिखता है, उसके नीचे करंट बैलेंस दिखता है और रिचार्ज का ऑप्शन शो करता है। नीचे मीटर इन्फॉर्मेशन में मीटर नंबर, टैरिफ कोड, लास्ट कम्युनिकेशन डिटेल्स और सप्लाई स्विच स्टेटस शो करता है। बैलेंस इन्फॉर्मेशन में आपका लास्ट रिचार्ज कितना का और कब हुआ था शो करता है। मंथ के एक तारीख को क्या बैलेंस था, डिफरमेंट बैलेंस कितना है और एरियर बैलेंस कितना बचा हुआ है शो करता है। डिफरमेंट और एरियर का डिटेल्स आगे के वीडियोज में डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद कंजम्पशन इन्फॉर्मेशन में मंथली एवरेज और लास्ट 12 मंथ में हाइएस्ट कितना खपत हुआ है का यूनिट शो करता है। ऊपर राइट कॉर्नर में नोटिफिकेशन आइकन होता है, जिस पर क्लिक करने पर आया हुआ नोटिफिकेशन शो करता है यदि कोई हो। उसके बाद माय अकाउंट का पेज आता है, इस पर कंज्यूमर का नाम, कंज्यूमर नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस डिटेल्स होता है। थर्ड पेज यूजेज का आता है, यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पेज होता है। ओपन करने पर यहाँ तीन टैब्स दिखते हैं, डेली यूजर डेटा, कंजम्पशन पैटर्न और लोड प्रोफाइल। डिफॉल्ट डिस्प्ले डेली यूजर्स डेटा का दिखता है। इसमें एक दिन में मीटर में जितने भी प्रकार के मद में अमाउंट कटता है, उन सब का अलग अलग डिटेल्स दिखता है और वो सबसे ऊपर में सबको जोड़कर कटा हुआ टोटल अमाउंट दिखता है। इसके साथ साथ रिचार्ज अमाउंट, क्रेडिट एडेड, क्लोजिंग बैलेंस, करंट रीडिंग, एरियर डिटेल्स और डिफरमेंट डिटेल्स भी शो होता है। ये सभी डेटा आप 7 डेज का या 30 डेज तक के लिए देख सकते हैं। ऊपर में आपको सेलेक्ट करना है। मैं इस पेज के लिए एक अलग से वीडियो पोस्ट कर दूंगा, जिसमें एक एक पॉइंट्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन शेयर होगा। अब अगला टैब कंजम्पशन पैटर्न में मीटर का खपत यूनिट में या रुपये में दिखता है। आप सेलेक्ट करके डेली का खपत या महीनावार खपत यूनिट और रुपये दोनों में देख सकते हैं। नीचे में डेली या मंथली एवरेज खपत दिख रहे, पीरियड का हाईएस्ट, इस माह में अभी तक का खपत और करंट रीडिंग भी शो करता है। यह भी यूनिट और रुपया दोनों में शो करता है, जो आपका सिलेक्टेड होता है। नेक्स्ट टैब लोड प्रोफाइल का होता है। इसमें आपको कुल 7 दिनों का डेटा दिखता है, जिसे आप कैलेंडर पर क्लिक करके पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपका सैंक्शन लोड यानी जितना किलोवाट का आपका कनेक्शन है वह ग्रीन लाइन में दिखता है। डार्क ब्लू में आधे घंटे में चला हुआ औसत लोड दिखता है और लाइट ब्लू में आधे घंटे में खपत हुआ यूनिट दिखता है। यहाँ प्रत्येक दिन के लिए आधे आधे घंटे का 48 बार डेटा दिखता है और बिल का मैक्सिमम लोड भी यहीं से चेक होता है। अगला पेज बिलिंग का होता है। यहाँ से आप अपना करंट बिल डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में पीछे के महीनों का बिजली बिल का डिटेल्स भी देख सकते हैं। इसमें खर्च यूनिट और बिल की राशि का डिटेल्स शो होता है। मोर पेज पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट मैनेज कनेक्शन होता है, यहाँ पर आप एक ही ऐप में अपना दूसरा कनेक्शन को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव हो पाता है जब दोनों कनेक्शन का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सेम हो। ऊपर में जब मीटर नंबर पर आप क्लिक करेंगे तब कनेक्शन का डिटेल्स शो करता है। नीचे सेट लो क्रेडिट अमाउंट का ऑप्शन होता है, डिफॉल्ट रूप से यह 100 रुपया पर सेट रहता है, जिसे आप घटा बढ़ा सकते हैं। इससे फायदा होता है कि जब मीटर का बैलेंस 100 रुपया से कम चला जाता है तब मीटर से एक अलर्ट की आवाज़ आती है और ऐप में नोटिफिकेशन भी आता है।
सेट क्विक रिचार्ज अमाउंट ऑप्शन से आप क्विक रिचार्ज के अमाउंट को सेट कर सकते हैं। वैसे इस ऑप्शन का कोई खास उपयोग होता नहीं है। सेट कम्युनिकेशन डिवाइस में मीटर ही रखा जाता है। इसके नीचे ऐड सेकेंडरी यूजर का ऑप्शन होता है। यहाँ से आप दूसरा मोबाइल नंबर और नेम एंट्री और सेव करके लॉगिन के लिए ऑथराइज कर सकते हैं। यह ऑप्शन किराएदार आदि या परिवार के अन्य सदस्यों के लिए यूज किया जा सकता है। मोबाइल नंबर और नेम सेव कर देने के बाद दूसरे व्यक्ति आई एम अ सेकेंडरी कंज्यूमर वाले ऑप्शन को टिक करके लॉगिन कर सकते हैं। अब दूसरे ऑप्शन माई कनेक्शन पर आते हैं। यहाँ फर्स्ट टाइम लॉगिन करने पर आपको टैप टू कनेक्ट एंड रीड द मीटर डेटा का ऑप्शन शो करता है। यहाँ क्लिक करने पर ऐप मीटर से ब्लूटूथ के माध्यम से कम्युनिकेट करके डेटा एक्सेस और एक्वायर करता है। इसके लिए आपको मीटर के नज़दीक मौजूद रहना होगा। यह इस ऐप का मेजर ड्रॉबैक है जो शुरू से मौजूद है और इस पर सुधार संबंधी कार्य करने की आवश्यकता है कि इंटरनेट के थ्रू एक्सेस मिलना शुरू हो जाए। वर्तमान में टैप टू कनेक्ट करने के बाद ऐप ब्लूटूथ के माध्यम से मीटर से कम्युनिकेट करता है और आपके स्क्रीन पर करंट बैलेंस शो करना शुरू करता है। साथ में ऑटो अलर्ट इनेबल करने का ऑप्शन और रिचार्ज का ऑप्शन शो करता है। अब इस स्क्रीन के मीटर नंबर या एरो पर क्लिक करने पर डिटेल्स टैब शो होता है, जिसमें ऊपर में कंज्यूमर नंबर, करंट बैलेंस, रिचार्ज ऑप्शन आदि शो करता है एवं नीचे अभी का इंस्टेंटेनियस लोड यानी तत्क्षण घर या परिसर में कितना लोड यूज हो रहा है। एस्टिमेटेड कॉस्ट पर आवर यानी प्रति घंटा लगभग कितने रुपये की बिजली खर्च हो रही है। एस्टिमेटेड डेज लेफ्ट यानी मीटर का बैलेंस कितना दिन चलेगा और मीटर का कोई अलर्ट हो तो वो शो करता है। उससे नीचे में लाइन का वोल्टेज शो होता है। यहाँ दो चीज़ें काफ़ी काम की होती है। पहला कि हम घर का करंट लोड देख सकते हैं कि कितना चल रहा है और कहीं ज़्यादा तो नहीं चल रहा है। आप यहाँ देख कर लोड चलाना कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा कि सही वोल्टेज मिल रहा है या नहीं। सही वोल्टेज नहीं मिलने से बिजली उपकरणों पर असर पड़ता है और खराब होने का भी डर रहता है। स्क्रीन पर दिख रहे एरो पर क्लिक करने पर आपको मीटर का अलर्ट्स, मीटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, रिचार्ज हिस्ट्री और मीटर में एक्सेप्टेड टोकन नंबर्स दिखता है, लेकिन इन सब का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है। इन्फॉर्मेशन टैब में अकाउंटिंग MD यानी मैक्सिमम डिमांड यानी इस माह का सबसे ज़्यादा लोड कितना गया है के बारे में जानकारी दिखता है। अगर यह आपके कनेक्शन के लोड से ज़्यादा होता है तब फाइन लगता है एवं आपको अपना लोड बढ़ाने की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट कंजम्पशन टैब पर क्लिक करने पर आज का, पिछले दिन का, पिछले 7 दिन का और इस माह का कुल खपत दिखता है। नीचे बिलिंग हिस्ट्री में पिछले बिलों का डेटा शो करता है। अगला टैब टोकन हिस्ट्री पर क्लिक करने पर आपके द्वारा किए गए रिचार्जों की जानकारी दिखती है। किसी एक पर क्लिक करके आप उस रिचार्ज के टोकन नंबर सहित अन्य सभी जानकारियां देख सकते हैं। अब वापस मोर पेज के नेक्स्ट ऑप्शन अलर्ट पर क्लिक करने पर आपको सिस्टम और मीटर द्वारा भेजे गए अलर्ट्स लास्ट 7 डेज या लास्ट 30 डेज का शो करता है। यह ऑप्शन कम मौकों पर ही यूजफुल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हेल्प डेस्क का होता है, जिस पर क्लिक करने पर आपको 1912 पर कॉल करने का ऑप्शन और कस्टमर केयर का ईमेल आईडी शो करता है, जिसे कॉपी किया जा सकता है। नीचे रजिस्टर कंप्लेंट पर क्लिक करके आप मीटर रिलेटेड, पेमेंट रिलेटेड, पोर्टल रिलेटेड, ऐप रिलेटेड, फील्ड टीम रिलेटेड और सेफ्टी रिलेटेड कंप्लेंट्स कर सकते हैं। अगर आपने कोई कंप्लेंट लॉन्च किया है तो आप ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करके कंप्लेंट स्टेटस जान सकते हैं। नीचे के रिक्वेस्ट सर्विसेज पर क्लिक करने पर सुविधा पोर्टल ओपन होता है। सुविधा पोर्टल के बारे में मैं अलग से वीडियो शेयर करूंगा। अगला ऑप्शन आपको गेस्ट रिचार्ज का मिलता है, जिस पर क्लिक करके आप किसी भी मीटर का रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज कैसे करना है इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन टच आईडी सेटिंग को ओपन करके आप फिंगरप्रिंट सेफ्टी को इनेबल कर सकते हैं। इसे इनेबल करने पर ऐप ओपन करते समय आपके फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है, इसके बिना ऐप ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन टैरिफ रेट्स का होता है, इस पर क्लिक करने पर करंट फाइनेंशियल ईयर का बिजली यूनिट रेट का चार्ट डाउनलोड होगा, जिसे ओपन करके आप डिटेल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन FAQs
में आपको ऐप से रिलेटेड कुछ सवाल और उनके जवाब देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन चेंज लैंग्वेज में इंग्लिश एंड हिंदी का ऑप्शन दिखता है, लेकिन ऐप अभी सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, हिंदी का ऑप्शन डिसेबल्ड होता है। हिस्ट्री का ऑप्शन आपके काम का होता है, यहाँ क्लिक करने पर आपको मीटर हिस्ट्री टैब में दिखता है कि मीटर कब कब बदला गया है, साथ ही पुराने और नए दोनों मीटर का इमेज भी दिखता है। दिए गए बटन्स पर क्लिक करके आप खुद से पुराने मीटर का अंतिम रीडिंग देख सकते हैं, अंतिम रीडिंग का इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट टैब कनेक्शन हिस्ट्री में आपके इलेक्ट्रिक कनेक्शन से संबंधित जानकारी होती है, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। प्रेफरेंसेस में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, शायद बाद के अपडेट्स में वर्क करें। इसके आगे टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी और अबाउट के ऑप्शंस पर क्लिक करके आप ओपन करके पढ़ सकते हैं, लेकिन इन ऑप्शंस को जनरली यूजलेस की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बिहार सुगम स्मार्ट मीटर ऐप के बारे में एवं आपके लिए यूजफुल डिटेल्स देखने की जानकारी के लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे के वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक यू।